अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस बाय गुलफाम कोकब। आज का जो लेक्चर है वो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो कि फंडामेंटल ऑफ फोटोनिक्स रिटन बाय सालेह की बुक चैप्टर नंबर 5 हमारे पास जो है वहाँ से लिया गया है, जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिक्स। तो जिसका जो पहला सबसे पहले न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडिया। आइडेंटिफाई द मीडिया डिस्क्राइब्ड बाई द फॉलोइंग इक्वेशंस रिगार्डिंग द लिनियरिटी, डिस्पर्सिवनेस, स्पेशियल डिस्पर्सिवनेस और होमोजेनिटी। अज्यूम दैट ऑल मीडिया आर आइसोट्रॉपिक। हमने बताना है कि जो ये इक्वेशन दी गई हमारे पास, ये कौन से मीडिया को फॉलो करती है, लीनियर मीडिया को या डिस्पर्सिवनेस या स्पेशियल डिस्पर्सिवनेस, होमोजेनिटी। तो हमने इन इक्वेशन को बताना है, डिस्क्राइब करना है कि ये कौन से मीडिया को फॉलो करती है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले जो लीनियर मीडिया होता है उसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, जो डिस्पर्सिवनेस मीडिया होता है उसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, जो स्पेशियल डिस्पर्सिवनेस ये मीडिया होता है इसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, किस चीज़ को फॉलो करती है, और होमोजीनियस मीडिया इसकी जो इक्वेशन होती है वो किसको फॉलो करती है। सबसे पहले जो लीनियर मीडिया होता है उसकी जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टेंट जो होता है वो एप्सिला के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है हमारे पास है। जैसे काई ये कॉन्स्टेंट है और हमारे पास ए ये भी कॉन्स्टेंट है, तो और ये एप्सिला हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो लीनियर मीडिया वो होगा जिसमें कॉन्स्टेंट और एप्सिला मल्टीप्लाई हो रहा होगा। डिस्पर्सिवनेस मीडिया वो होगा जिसमें वो इक्वेशन होगी जिसमें जो पी है वो डिपेंड कर रहा होता है एप्सिला के ऊपर। एप्सिला हमारे पास क्या, यानी कि उस इक्वेशन में अगर एप्सिला होगा और वो पी के इक्वल होगी इक्वेशन, तो इसका मतलब वो इक्वेशन डिस्पर्सिवनेस मीडिया को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेशल डिस्पर्सिवनेस, स्पेशल डिस्पर्सिवनेस में क्या होता है कि जो परमिटिविटी और जो या हमारे पास जो कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट होते हैं ये डिपेंड करते हैं वेव वेक्टर के ऊपर। अब वेव वेक्टर जो ये ऐसा फैक्टर है इसको हम के से डिनोट करते हैं और ये एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म होती है इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगर जो भी इक्वेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म होगी इसका मतलब वो वेव वेक्टर उसमें होगा, तो यानी कि वो इक्वेशन हम कह सकते हैं स्पेशल डिस्पर्सिवनेस मीडिया को फॉलो करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोर जो है होमोजीनियस जो मीडिया वो किसको फॉलो करता है। होमोजीनियस मीडिया की इक्वेशन में क्या होता है, जो पी होता है वो डिपेंड नहीं करता आर के ऊपर। तो अगर जिस इक्वेशन में आर आ जाए, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई इस तरह का नंबर आ जाए जैसे ए हमारे पास है, तो उसका मतलब वो उस यानी उसमें होमोजीनियस वो इक्वेशन नहीं होगी। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम ये इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जो है सबसे पहले इक्वेशन पी इज इक्वल टू एप्सिला नॉट काई एप्सिला माइनस ए डेल क्रॉस एप्सिला। अब देखें इसमें एप्सिला के साथ एक कॉन्स्टेंट नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये लीनियर मीडिया है। डिस्पर्सिवनेस मीडिया वो होता है जिसमें पी डिपेंड डिस्पर्सिवनेस मीडिया वो होता है जिसमें पी डिपेंड करता है एप्सिला पे। तो देखिए पी जो है ये एप्सिला पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लीनियर और डिस्पर्सिवनेस मीडिया को फॉलो कर रही है। अब ये फॉलो नहीं कर रही स्पेशल डिस्पर्सिवनेस वो, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल रकम नहीं है। और होमोजीनियस मीडिया को क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसमें देखिए पी डज नॉट डिपेंड ऑन आर, यानी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ए हमारे पास इंक्लूड है डिस्टेंस, तो इसको इसके हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस मीडिया को फॉलो नहीं कर रही। तो नेक्स्ट हमारे पास पोलराइजेशन पी इज इक्वल टू एप्सिला नॉट, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये देखिए फॉलो ये लीनियर मीडिया को इसलिए फॉलो करती है क्योंकि इसमें एप्सिला नॉट एप्सिला दिया हुआ है और ये साथ में कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिस्पर्सिवनेस मीडिया को ये इसलिए फॉलो करती है क्योंकि ये इसके अंदर एप्सिला रकम दी हुई है, एप्सिला ये दिया हुआ है जो कि पी के ऊपर डिपेंड, यानी पी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्पेशल डिस्पर्सिवनेस इसका देखिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म दी हुई है, इसका मतलब इसमें के वेव वेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये स्पेशल डिस्पर्सिवनेस मीडिया को फॉलो करती है। होमोजीनियस मीडिया को इसलिए नहीं फॉलो करती क्योंकि इसमें डिस्टेंस ये देखे A1, A2, XY, तो ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये होमोजीनियस मीडिया को फॉलो नहीं करती। तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।